लेकिन मैं चार पांच किस्म दी आइटम बनावा छेवीं जिगर वास्ते ठीक है हेपेटाइटिस वास्ते ठीक है और जेडे चर्बी वाला जिगर है ओदे वास्ते एदे बहुत नुस्खे बनदे ने ठीक है बहुत बेहतरीन और सब नालों जो फायदेमंद चीज है अगर किसी ने ऑपरेशन वास्ते कह दिता जाए बवासीर दा जी जी ओदा इना को टुकड़ा कटो जी जी और जो क्वार गंडा एक साइड दे ओनु रहण दियो छिलका ठीक दूसरा जेड़ा है ना ओ मतलब रेक्टम ते रख के बंद दियो थोड़ा जा रात नु ते सवेरे तुसी देखोगे तो रिजल्ट जबरदस्त फारिग हो जाणगे माशाल्लाह माशाल्लाह। इस ग्वार गंदल के बारे में डॉक्टर साहब फरमा रहे थे जी, ये ग्वार गंदल का चौड़ा पत्ता है जी जी जी, ये जिगर वास्ते भी बता रहे हैं जी, बहुत फायदेमंद ताकत है। एंटी बैक्टीरियल भी है ठीक है, अच्छा एंटी फंगल भी है ठीक है, कमाल दी गल ते है, सही है। इनू नींबू दे नाल जदों इस्तेमाल कीता जांदा है और अदरक दे नाल जी जी, ते फिर जड़े जिगर दी चर्बी है ना जी जी, फैटी लीवर गुदा खांदे भी ने ना, डायरेक्ट खा ले बंदा कोई नुकसान नहीं, हलवा भी बनता है, बड़ा जबरदस्त हलवा बना।